वैसे यहाँ पे 70 किलोमीटर दूरी पे एक पॉली हाउस है जो एक हमारे सहयोगी ने लिया है। वो देखने के लिए बहुत दिन से कह रहा था कि आप आ जाओ, तो दिवाली के बाद तुरंत थोड़ा सा समय था तो मैं निकला, और यहाँ पर आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। पर जैसे मैं इंदौर से आगे निकला उधर जाने के लिए, माउंट आबू से रोहित भाई जी का फोन मुझे आया, कुछ काम था। तो मैंने कहा कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं अभी भोपाल को जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, भोपाल जा रहे हो तो आप जरूरी सेंटर पर जाओ, सुख शांति भवन जो है यहाँ पे जाओ, बाबा का बहुत सुंदर घर वहाँ पे बना हुआ है। तो मुझे जैसे लगा कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि किसी के द्वारा बाबा ही मुझे कह रहा है कि यहाँ तक जाओ, तो मुझे जाना ही है यहाँ पे। और इस तरह से ये प्रोग्राम बना। बचपन से मैं एक बहुत साधारण घर से, किसान के घर से हूँ। हम 5 भाई हैं, और 5 भाई में से मैं अकेला ही एक ऐसा था जो बचपन से देवी देवताओं की बहुत पूजा करता था। कोई भी अच्छा देवी देवताओं का चित्र मुझे मिलता था, मैं बहुत प्यार से उसे लेके आता था, उसकी पूजा करना, अर्चना करना और प्रसाद बांटना, यही मेरा खेल था। मैं बचपन में कोई खेल खेला ही नहीं। मेरे चारों भाई खेल खेलते थे, मित्र संबंधी खेल खेलते थे, पर मैंने कोई खेल खेला ही नहीं। करते 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 मेरा एडमिशन MBBS को हुआ। वहाँ पर भी वो 4 एकड़ का कैंपस था जहाँ पे हॉस्टल था, उस हॉस्टल में केवल मेरा अकेले का एक रूम था जहाँ पे मंदिर था। तो मतलब परमात्मा की खोज निरंतर जारी थी, परंतु परमात्मा कौन है, जैसे आज मुरली में बाबा ने कहा कि परमात्मा कौन है ये मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं था। पर है कोई तो शक्ति, है परमात्मा है, और मुझे उसको ढूंढना है। इसके लिए मैंने स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी किताबें पढ़ी, पर उससे भी मुझे कोई ठोस रास्ता नहीं मिला। फिर मैंने एक हिमालयन मास्टर्स करके एक किताब है जिसमें 357 योगियों के बहुत अलग अनुभव है, जिसको हमारा साइंस, मेडिकल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। उसमें से एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि दो मित्र हैं, एक योगी के पास जा रहे हैं, तो एक तो उस योगी के पास रेगुलर जाने वाला है और दूसरा जो है वो पहली बार जा रहा है। तो अपने उस योगी की तारीफ वो हमेशा अपने मित्र को करते रहता है, परंतु ये जो मित्र है इसको ज्यादा विश्वास नहीं होता इन बातों में। वो मन में संकल्प करता है कि आज मुझे कुछ ऐसी चीजें खानी है, अगर वो उस आश्रम में मिल जाए मुझे तो मैं मानूंगा कि ये योगी है करके। तो आश्रम में पहुंचते हैं, भोजन का समय होता है, भोजन ऑलरेडी बना हुआ रहता है, बाकी सबके साथ वो दोनों मित्र भी वो भोजन के लिए बैठे रहते हैं, क्या परोसा हुआ है ये देख लेता है वो। उसके बाद वो योगी आता है, वो भी अपने स्थान पर बैठ जाता है और एक आदेश देता है कि कुछ लेके आओ और इस सारे जो परोसा हुआ है थालिया उसको कवर कर दो। तो उनके आदेश से उनको कवर किया जाता है, और फिर वो थोड़ी देर तक ध्यान में बैठता है और उसके बाद कहता है कि इसको निकालो। और जैसे ही वो कवर निकाल लेते हैं, उस भाई के मन में जो खाने का संकल्प था वो सारे आइटम वहां पे तैयार हो जाते हैं। तो मैं जब ये अनुभव, इस तरह के बहुत सारे अनुभव है उस किताब के अंदर, हर एक अनुभव विशेष है। तो मुझे ये मन के अंदर संकल्प चलते थे कि ये कैसा संभव है, ये क्या है, कैसा होता होगा। और एक बहुत सुंदर किताब मैंने पढ़ी, उस किताब का नाम है गोइंग विद इन, शर्ली मैकलिन की ये किताब है। ये बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस है, ऑस्कर अवार्ड विनर, आप सोचो कितनी बड़ी हस्ती हो सकती है।
परमात्मा को ढूंढने के लिए उसने सारे विश्व का भ्रमण किया। हिमालय तक वो जाकर गए, मस्जिदों में गई, मंदिरों में गई, गुरुद्वारों में गई, चर्चों में गई, योगियों को मिली, सबको मिली, और उसने फिर ये किताब लिखी गोइंग विदिन करके। तो उस किताब के अंदर भी ऐसे ही बहुत सुंदर अद्भुत अनुभव है। तो ये सब अनुभव पढ़ने के बाद मेरी परमात्मा को जो खोजने की जो आंतरिक इच्छा थी वो बहुत ही तीव्र होती गई। ऐसे करते 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 मेरा एमएस हो गया, मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया, मेरी प्रैक्टिस चालू हो गई। और प्रैक्टिस में एक मेरे बहुत विशेष और अद्भुत बात हो गई। आप देखते होंगे कोई भी अगर मेट्रो शहर में किसी को प्रैक्टिस अगर चालू करना है तो उसको बहुत बड़ा प्रोग्राम करना होता है, डॉक्टर्स के पास जाकर उसको सबको बोलना पड़ता है मेरे पास पेशेंट भेजो, कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ती है। परंतु मैं एक ऐसा डॉक्टर हूं कि मैं कुर्सी में बैठा और मेरी प्रैक्टिस धो 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 चालू हो गई। अभी तक तो मैंने अपना ऑपरेशन थिएटर बनाया नहीं था, परंतु मेरे पास लंबी लिस्ट आ गई कि हमको आपसे ऑपरेशन कराना है। ये देखो वंडर बात, मैंने पहले कहा कि हम पांच भाई थे, पांच भाई में से मुझे मेरे माँ बाप से सबसे अच्छी पालना मिली, मुझे बचपन से सबसे अच्छे टीचर मिले, मुझे मित्र लोग सबसे अच्छे मिले, और पेशेंट्स ने तो मेरी इतनी वाह वाह की कि कोई एकाद एमएलए का एमपी का भी जितना नाम नहीं हो, इतना नाम पूरे मालेगांव शहर में मेरा बहुत जल्दी हो गया। आप सोचो, अभी मैं ज्ञान में नहीं था, मैं 2009 से ज्ञान में, जैसे भाई साहब ने बताया कि मैं 2009 से ज्ञान में हूं और मेरी प्रैक्टिस 2001 से चालू हो गई। ये 2001 से लेके 2009 तक का जो पीरियड है, एक डॉक्टर के लिए, एक लौकिक डॉक्टर के लिए जितना बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए वो मेरे लिए था। परंतु फिर भी मेरे अंदर ऐसा लगता था कि कुछ खालीपन है, सुख की भासना मुझे नहीं आती थी। हालांकि मैं बिल्कुल एक्यूरेट वर्क करता था, कभी किसी का कोई गलत काम नहीं किया, किसी को 2 रुपए के एक्स्ट्रा दवाई नहीं लिख के दी, लोभ नाम की चीज पेशेंट के लिए नहीं थी, जो कर्मयोग में लौकिक लोग समझते, इस तरह से मैं बहुत साफ सुथरा व्यक्ति था। फिर भी अंदर से सुख की भासना नहीं थी, छोटी छोटी बातों में गुस्सा भी आता था। कोई चीज अगर थोड़ी बहुत ऑपरेशन थिएटर में इधर के उधर हो जाए तो मुझे लगता था कि मैं अगर इनको नहीं डांटूंगा तो ये गलती दोबारा करेंगे और फिर मेरे पेशेंट का नुकसान होगा, तो मैं डांटता भी था। मुझे थोड़ा अहम भी चढ़ गया था क्योंकि वो 10-12 लाख के पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा फेमस डॉक्टर मैं था। लोग 8-8 दिन 15-15 दिन तक वेटिंग करते थे मेरे पास नंबर लगने के लिए। तो नेचुरली जब ज्ञान नहीं है तो वो अहम आत्मा के अंदर आता है और मेरे अंदर भी वो अहम था। हालांकि भक्ति में होने की वजह से मुझे मालूम था ये अहम गलत है करके, क्योंकि साधु संतों के वचन में पढ़ता था, उसमें तुकाराम महाराज का आपने कभी नाम सुना होगा, उसके अंदर मराठी में एक कहावत है, महापुरे झाड़े जाती थे लवाड़े वास्ती, मतलब छोटा छोटा घास जो है वो बड़ी बाढ़ जब आती है तो वो बच जाता है, परंतु बड़े बड़े पेड़ जो है वो गिर जाते हैं। ये अहम का उदाहरण था और वो अहम मेरे अंदर है इसकी मुझे जानकारी थी और उसको निकालने का मैं पुरुषार्थ भी करता था, परंतु वो कभी गया नहीं। 2009 में जैसे बाबा मुझे मिला, ज्ञान मिला, वो अहम अपने आप खत्म हो गया, मुझे उसके लिए पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़ा। ये वंडर है ज्ञान का। और दूसरी बहुत सुंदर बात यह है कि बाबा ने, जैसे मैं बाबा का बना, पहले दिन से मुझे बाबा ने बहुत सुंदर अनुभव कराया। मैं कई बार ट्रांस में गया, पहली बार मैं मधुबन में गया माइंड बॉडी मेडिसिन के लिए, और उस टाइम पे मुझे कोई खास ज्ञान तो था नहीं, पर सिलू दीदी ने कहा कि अमृत वेला करना चाहिए, और इसीलिए हम लोग वहां पे जब थे 3-3.5 दिन तो रोज वहां पे जाते थे ज्ञान सरोवर में, और बहुत अच्छा लगता था, पीसफुल लगता था। तो वहां मैंने एक प्रण कर लिया कि मुझे अमृत वेला करना है, क्या करना है कुछ मालूम नहीं है। वापस हम मालेगांव पहुंचे तो मधुबन से इतना समझ के आए थे कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं, इससे ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं था। तो आने के बाद मैं उठकर बिस्तर पे बैठता था सवेरे 4 बजे और केवल इतना बोलता था कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं, बस इतना कहा कि मैं ट्रांस में चला जाता था। और कैसे, जैसे हनुमान जी हवा में उड़ते हैं ऐसे मैं उड़ता था,
और बहुत सुंदर सुंदर बगीचे में जाकर सुंदर सुंदर फल को खाना और बहुत आनंद विभोर अवस्था जो है उसका वह अनुभव करता था। तो 4 बजे से लेके 4:45 बजे तक ऐसी बहुत सुंदर अवस्था रहती थी। फिर दूसरे दिन सवेरे फिर से 4 बजे उठना और फिर यही कहना कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। मुझे लगता था इसको ही योग कहते हैं और मैं ट्रांस में चला जाता था। और फिर से वो 45 मिनट वो आनंद विभोर अवस्था। ऐसे रोज 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 15 दिन तक मैं रोज ट्रांस में गया और उस अवस्था का अनुभव किया। और 15 दिन के बाद बाबा ने उस पाठ को बंद कर दिया। अब मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ हो गई, मेरे से कुछ तो गलती हो गई। फिर मैंने सेंटर के बहन जी को पूछा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि बाबा ने आपको यह अनुभव कराया है, अभी आपको पुरुषार्थ चालू करना है, अभी आपने चालू ही नहीं किया है। तो फिर उन्होंने कुछ विधि बताई, उसके अनुसार से हमने पुरुषार्थ चालू किया। तो ऐसे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर अनुभव जो है बाबा ने कराया, जिसके द्वारा जैसे एक आत्मा को बहुत सुंदर तृप्ति सी मिल गई और एक निश्चय सा बढ़ गया। और तो इन सभी अनुभव की हमने एक छोटी सी किताब बनाई है, उस किताब का नाम है अव्यक्त पालना अनुभव का खजाना। बहुत बड़ा है, मतलब 3 घंटा भी अगर बोलते बैठूंगा तो भी वो सारे अनुभव खत्म नहीं होंगे। 20 मिनट के अंदर जितना हो सकता है उतना और एक दो अनुभव में इसमें ऐड करूंगा। एक बार मैं मधुबन में गया था भट्टी के लिए और मनमोहिनी वन में ऐसे टहल रहा था। तो टहलते टहलते मैंने बाबा से बात करना चालू कर दिया कि बाबा मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, जैसे भाग्य विधाता हो, वंदे मातरम हो, तो उसके अंदर आपने कितने सुंदर सुंदर अनुभव सबको कराए हैं, किसी को माता का, किसी को पिता का, भाई का, बहन का, टीचर का, मुझे भी एक हाथ कोई अनुभव कराओ ना, आपका क्या जाता है। ऐसे बाबा को मैंने बहुत इनोसेंटली बाबा को कहा और मैं उस बात को भूल गया। रात को थोड़ा सा बाबा को याद करके सोया, सवेरे उठ के जल्दी जल्दी तैयार होके मैं डायमंड हॉल में पहुंच गया और मैंने बाबा की तरफ देखा। जैसे मैंने बाबा की तरफ देखा, बाबा की आंखों से 2 किरणें निकली और वो दोनों किरणें मेरे आंखों में चली गई और मैं ट्रांस में चला गया और मैं छोटा बच्चा बन गया, 6-7 साल का। वो जब 6-7 साल का मैं बच्चा बना तो मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मतलब मैं माउंट आबू में आया हूं, ब्रह्म कुमारीज क्या होती है, भगवान क्या होता है, मैं डॉक्टर हूं, मालेगांव का हूं, कुछ नहीं। ये सब बातें मैं विस्मृति हो गई और मैं एक छोटा बच्चा बनकर एक छोटे से गांव में चला गया, जहां पे 4-5 रूम का एक छोटा सा कौल का घर था और जहां बाबा मेरा पिता था। वो भगवान ही, इसकी मुझे ज्ञान नहीं था, वो मेरा पिता है सिर्फ इसका मुझे ज्ञान था। और वो बाबा मेरा मुझे सब प्रकार से पालना देता था, नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, खिलाना पिलाना, साइकिल पे बिठा पे स्कूल लेके जाना, स्कूल से लेके आना, पिकनिक लेके जाना, 3:30 से लेके 4:45 बजे तक प्यार के सागर का प्यार क्या होता है पिता के रूप में, इसका गहन अनुभव। ये एक ही अनुभव आप देखो 3:30 से लेके 4:45 बजे तक का, मैं आपको 3-4 मिनट में सुना रहा हूं टाइम की वजह से, तो आप देखिए वो क्या अनुभव होगा, वो कितनी प्यार के सागर की गहन अनुभूति होगी। तो ये अनुभव जस्ट मैंने बाबा को कहा कि आप मुझे भी एक हाथ अनुभव कराओ ना, आपका क्या जाता है, और बाबा ने तुरंत उस बात को स्वीकार करते हुए अनुभव कराया। फिर दूसरा एक अनुभव मैं आपको सुनाता हूं, वो भी बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा। 2015 में मुझे गुजरात में जाना था सेवा के लिए। तो नॉर्मली जब भी घर से बाहर निकलते हैं हम सभी बाबा के पास जाते हैं, बाबा को समाचार देते हैं, तो मैंने भी बाबा को समाचार दिया और बाबा को कहा कि बाबा गुजरात जा रहा हूं सेवा के लिए। तो मन में एक संकल्प आया कि आज कुछ होने वाला है, तो मैंने उस संकल्प को निग्लेक्ट किया, दबा दिया। फिर दोबारा वो जोर से संकल्प आया कि आज कुछ होने वाला है, आज कुछ बड़ा होने वाला है, मैंने उसको दबा दिया। मैं उठा, बाबा से दृष्टि लिया, वहां से उठा, एक एक कदम करके मैं बाहर की तरफ जाने लगा। वो विचार फोर्सफुली अंदर से आने लगा, आज कुछ होने वाला है, आज कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने दरवाजा खोल के मैं बाहर गया तो मुझे जैसे ट्रेमर्स आने लगे, हाथ पांव कांपने लगे, पसीना आने लगा, छाती की धड़कन धड़ 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 बढ़ने लगी। तो मैंने सोचा जीवन में अभी कभी कभी तक मैं अभी डरा नहीं, कुछ हुआ तो है ही नहीं, मैं खाम का ही डर रहा हूं, पर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं दोबारा घर के अंदर गया, बाबा के सामने जाकर बैठा और बाबा को कहा, बाबा मन में आज ऐसा विचार आ रहा है कि आज कुछ होने वाला है, आज कुछ बड़ा होने वाला है,
तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे आज कुछ होने वाला है। तो जैसे ही बाबा ने कहा कि हाँ बच्चे आज कुछ होने वाला है, मैं बोला बाबा फिर मैं नहीं जाता हूँ, आज का मेरा जो टूर है कभी बाद में करूँगा मैं। तो बाबा ने कहा बच्चे नहीं, आप जाओ, बाबा साथ में है। जैसे ही बाबा की तरफ से ये रिप्लाई आ गया, वो जो तूफान था बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, गहन शांति की अनुभूति मुझे हुई और वो स्टॉप हो गया पूरी तरह से। मैं जाकर अपनी गाड़ी में बैठा, हुंडा सिटी कार थी मेरे पास उस समय पे, और दत्तू भाई ड्राइवर था उस टाइम पे, अभी वो आवास निवास में समर्पित है, मुन्नी बहन और देव भाई के साथ में ड्राइविंग करता है, वो उस टाइम पे मेरा ड्राइवर था। हम लोग गाड़ी में बैठे और बाबा के गीत चलाते हुए उसमें योग करते 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 सटाना शहर तक पहुँचे, और फिर हमने गीत बंद करके उस दिन की मुरली निकाली, और मुरली के एक 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 लाइन मैं दत्तू भाई को समझा रहा था कि बाबा ऐसे कह रहे, बाबा ऐसे कह रहे। ऐसे करते 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 हम पिंपलनेर के आगे एक टोल नाका पड़ता है, वहाँ जाकर हमारी गाड़ी रुकी टोल देने के लिए। सामने वो बैरियर डंडा, और हमने टोल के छुट्टे पैसे दे दिए। उतने में मैं उस कार में बैठे बैठे ट्रांस में चला गया, और ट्रांस में गया तो मैंने देखा कि पीछे से एक 10 टायर वाला ट्रक बहुत जोर से आ रहा है, उसमें स्टील भरा हुआ है। वो ड्राइवर का चेहरा मैंने स्पष्ट देखा, जैसे विवेक भाई का चेहरा देख रहा हो ऐसे बहुत स्पष्ट चेहरा मैंने उसका देखा। और वो ट्रक आया, हमारे कार के ऊपर चढ़ा, परंतु हवा में लटक रहा है। ये सीन उस ट्रांस में मैंने देखा, और हम दोनों अंदर सेफ है। ये सीन देखा कि दोबारा फिर से वापस मैं शरीर में आया, वो ट्रांस में से निकल गया मैं और इस शरीर में आया, तो जोर जोर से आवाज मुझे सुनाई देने लगी। मैंने पूछा दत्तू भाई को कि भाई क्या हो गया, इतनी आवाज क्यों हो रही है? तो उन्होंने कहा आपने देखा नहीं, और उसने इधर उंगली किया, तो मैंने देखा तो वही ट्रक उसने बाजू वाला कैबिन उड़ा दिया था, वो जमीन दोस्त हो गया था पूरा। और दत्तू भाई कांप रहा था, थर 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 कांप रहा था, क्योंकि वो ट्रक हमारे कार के ऊपर चढ़ता था तो हमारी डेड बॉडी भी निकालना संभव नहीं था, वो चिपक जाता पूरा कार के साथ, बिल्कुल चिपक जाता था, इतना वो भयानक सीन होने वाला था। तो दत्तू भाई बोला मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ सर। मतलब कोई बात नहीं, टोल के बाहर तो निकालो कम से कम। टोल के बाहर गाड़ी निकाली, उसको पानी वगैरह पीने को दिया, उसके पीठ के ऊपर मैंने थपथपाया और उसको कहा कि आप इधर वाली सीट पर बैठो, मैं ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठता हूँ, हम ईश्वरीय सेवा के लिए निकले हैं वो करके हम आएंगे। वो बार बार मेरे चेहरे की तरफ देखे कि अभी हम मौत के मुंह में थे और ये डॉक्टर भाई को कुछ क्यों नहीं हो रहा है, इनके चेहरे के ऊपर डर क्यों नहीं है। वो सब देख के उसको हिम्मत आ गई, बोले नहीं मैं चलाऊंगा गाड़ी, पर जाके पहले उस ड्राइवर को थोड़ा झगड़ा करके आते। मैंने कहा हमको जाना ही नहीं, पूछना ही नहीं है, कुछ नहीं पूछना है, आप चलो अगर चल सकते हो तो। बोले ठीक है, हम गए। हमको मालेगांव में मेला लेकर आना था, वो देखने के लिए मैं गया था। हमने जाके एक घंटे में मेला देखा, सेंटर पे गए, भोजन किया और हम तुरंत वापस निकले। रात को फिर हम उसी टोल नाके से थोड़ा दूर 100-150 फुट दूर पे गाड़ी खड़ी की। मैंने कहा दत्तू भाई चलो। हम उस टोल नाके पे गए और वहाँ लोगों को पूछा, जैसे हमने दिखाया कि हमको कुछ मालूम ही नहीं है, पूछा कि ये क्यों कैबिन क्यों गिरा है। तो उन्होंने कहा सवेरे एक ट्रक वाले ने इसको उड़ा दिया। हमने कहा उसने क्यों उड़ाया इसको, तो बोले उसका ब्रेक फेल हो गया था। हमने कहा फिर उस सीधा क्यों नहीं निकल गया, वो केबिन के ऊपर क्यों चढ़ा? तो उसने कहा कि उस ड्राइवर ने कुछ अजब बात कही। उसने कहा कि जब मेरा ब्रेक फेल हुआ और बहुत स्पीड से मेरा ट्रक था, तो वो उस कार के ऊपर चढ़ने वाला था, कोई सफेद कलर की कार सामने खड़ी थी, परंतु कोई आया और उसने स्टेयरिंग को घुमा दिया, और जिसकी वजह से वो कार के ऊपर चढ़ने की बजाय वो केबिन के ऊपर चढ़ा और वो केबिन टूट गई। आप देखिए आज के संसार में इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर भी सेफ नहीं है, परंतु हम बाबा के बच्चे 100% सेफ है। ये बात अलग हो सकती है कि कोई हमारे भाई अगर शरीर छोड़ते हैं तो ड्रामा में उनका कुछ विशेष पार्ट हो सकता है, कोई एक्सीडेंट में भी शरीर छोड़ता है, पर क्या आपको मालूम अगर उसका बाबा के साथ बुद्धि योग बल है, जुटा हुआ है, तो वो तो उसको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, चाहे वो एक्सीडेंट से हो चाहे हार्ट अटैक से हो, वो तो प्लान हो सकता है ड्रामा का। परंतु इस अनुभव से ये पक्का निश्चय हर एक का हो जाना चाहिए कि हम जितने सेफ है सारे संसार के अंदर,
हमारे जितना सेफ आजकल का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी नहीं है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। भगवान सर्व संबंधों से सुंदर पालना हम सबको दे रहा है, ये कितनी बड़ी भाग्य की बात है। समय हो गया है 20 मिनट, मैं यहां रुकूं और एक आध अनुभव सुनाऊं। अब बोलिए भाई बहन। अच्छा एक अनुभव और सुनाता हूं 2-3 मिनट में। एक बार मैं ओपीडी में पेशेंट देख रहा था। मेरी ओपीडी काफी बड़ी है, नॉर्मली लोगों की 100-150-200 स्क्वायर फुट का कंसल्टिंग होता है, मेरा कंसल्टिंग बहुत बड़ा है, मतलब ये जो विड्थ है इससे भी दुगना से ज्यादा है, ऐसा बहुत बड़ा है। अपना ऑडिटोरियम हॉल का जो डायस होगा शायद उससे भी थोड़ा बड़ा होगा, अलग अलग यूनिट्स ऐसे लगे हुए हैं। मैं कंटिन्यूसली ऐसे मूव करके पेशेंट देखता हूँ। तो मैं पेशेंट देख रहा था और अचानक मुझे एक दिन जो है खुशी के फवारे फूटने लगे, कुछ कारण नहीं था, इतनी खुशी की खुशी का पारावार नहीं। और जैसे शरीर का वेट खत्म हो गया है, जैसे बलून के अंदर हवा भरने के बाद उसका कैसे वजन होता है, ऐसे शरीर का वजन हो गया और मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। मैं एक एक पेशेंट को देख रहा था, मुझे बुद्धि का यूज नहीं करना पड़ रहा था, वो बिना कुछ सोचे मुझे उसको क्या तकलीफ है ये पहले से पता चल रहा था और मैं उससे कुछ बात नहीं कर रहा था। चश्मे का नंबर निकालने के लिए कोई मेहनत नहीं और उसको कुछ पूछना नहीं, बस जस्ट लिखना, और वो पेशेंट भी मुझे कुछ नहीं पूछ रहा था, ना मेरे असिस्टेंट मुझे कुछ पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आज। और बिल्कुल इतनी आनंद विभोर अवस्था, इतनी खुशी की अवस्था, एक के बाद 2 घंटे तक वो अवस्था रही। 2 घंटे जितने भी पेशेंट मैंने देखे होंगे उसपे मैंने कोई अपनी बुद्धि जो मेडिकल साइंस है वो यूज नहीं किया, पेशेंट को दवाई लिखता गया, देखता गया, परंतु उसके लिए मैंने किसी प्रकार की मेहनत नहीं की। 2 घंटे के बाद दोबारा मैं नॉर्मल स्थिति में आया तो मुझे फिर मेहनत करनी पड़ रही थी, हर एक पेशेंट को पूछना क्या तकलीफ है आपको, ये वो सब बहुत सारे क्वेश्चंस उसके लिए 8-10 क्वेश्चंस अलग अलग पूछने पड़ते हैं, वो सारे पूछना। तो मुझे लगा ये कितना इजी है और ये कितना मुश्किल है, मैं कंपेयर कर रहा था दोनों के अंदर। करते 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 वो दिन मेरा खत्म हुआ और रात को बैठ के मैं फिर सोचने लगा कि वो चीज क्या होगी, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया होगा। वो बहुत अच्छी बात है, पर जो भी हो गया होगा वो बहुत सुंदर बात है, ऐसा ही होना चाहिए, काम होना चाहिए तो ऐसा होना, एकदम परफेक्ट और मेहनत के नाम कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं दिन में 5-6 बार मुरली पढ़ने लगा, योग का चार्ट मैंने बढ़ाया और भोजन भी बिल्कुल योग युक्त होकर करने लगा। तो 2-3 हफ्ते के अंदर मेरे अंदर थोड़ा परिवर्तन आया, मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, लाइट सा लगने लगा, परंतु मैं उसके साथ कंपेयर करने लगा कि वो नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ से भोजन बनाना चालू किया, मैंने सोचा चलो देखते हैं अपने हाथ से भोजन करके और फिर और योग का चार्ट बढ़ाते हैं। मुरली को बढ़ाया, योग का चार्ट बढ़ाया, कर्म योग बढ़ाया, फिर और अच्छा लगने लगा, परंतु फिर उसके साथ कंपेयर किया नहीं, बराबर नहीं। फिर मैंने भोजन छोड़ दिया, थोड़ा सा दूध और थोड़े से फल लेता था, बाबा के कमरे में जाकर बाबा के सम्मुख बैठकर खाता था और ज्यादा से ज्यादा मुरली पढ़ना, मुरली का चिंतन करना, योग करना, मतलब बाकी काम जितना कम से कम समय में करूं और योग को बढ़ाऊं, ये मैंने अभ्यास करना चालू कर दिया। 3 महीने हो गए, मेरी अवस्था तो पहले से बहुत अच्छी हो गई, परंतु मैं फिर उसके साथ कंपेयर करता था नहीं। मैं बाबा को बोला, बाबा मैं अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं, मेरे से जितना कुछ बन सकता था उससे ज्यादा मैंने किया है, अब मुझे आप बताओ कि ये क्या चीज थी और ये क्या अनुभव था। तो बाबा ने कहा, बच्चे इसको कर्मातीत अवस्था कहते हैं और ये अंत में होगी, सारा जीवन आपको इसके लिए पुरुषार्थ करना है, तो करते रहो। फिर गाड़ी नॉर्मल सी चालू हो गई। तो आप देखो बाबा कितना जादूगर है, कितने सुंदर सुंदर अनुभव कराता है, और हम सभी को उस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। ये कोई मेरा अकेले का अनुभव ऐसा नहीं है, हर एक को वहां तक पहुंचना है और हर एक का शर्ट पैंट ड्रेस का मेजरमेंट अलग है ना। तो हमारे 63 जन्मों के जो भी विकर्म है, जो भी संबंध है, बंधन है, अलग अलग है, तो बाबा के साथ रूहरियान करते हुए कुछ कुछ युक्तियां लेते रहना चाहिए और पुरुषार्थ में नवीनता लाता रहना चाहिए, तो हम उस रास्ते पे थोड़ा
स्पीडली बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू, मुझे यहाँ पे चांस दिया अचानक का प्लान होते हुए भी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप सब।